हाय फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में मैं आपके साथ रेलवे एनटीपीसी के मैथ्स के पेपर को सॉल्व करूँगा, जो आपका 28/3/2016 को पूछा गया था शिफ्ट वन पे। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे, इजी भी क्वेश्चन है। आप देखिए कैसे क्वेश्चन एनटीपीसी में आते हैं, आपको क्वेश्चन और सोल्यूशन साथ में दिखेगा। मैंने आपको इजी से इजी तरीके से सॉल्व करके दिखाया है, आप उसे देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और अब मैं कम से कम आपको 40 सेट इजी तरीके से प्रोवाइड कराऊंगा अपने इस चैनल पे वीडियोस के माध्यम से, जिसमें आपका GS, रीजनिंग और मैथ्स अलग अलग होंगे। तो ये आपका RRB NTPC CBT 1 स्टेज 1 परीक्षा आपकी जो हुई है 28/3/2016 शिफ्ट 1 में सारे पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है कि 3 घंटियाँ क्रमशः 15, 20 एवं 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि घंटियाँ 12 बजे पूर्वा एक साथ बजती हैं तो पुनः अगली बार कब एक साथ बजेंगी। तो देखिए, इस तरीके के जो भी क्वेश्चन होते हैं कि घंटियाँ क्रमशः बजाई जाती हैं, एक टाइम दे दिया जाता है कितने समय बाद दोबारा बजेंगी, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं। जो भी ये डिजिट दी जाए उसका आप क्या करिए, एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम जितना भी आ जाए उसको आप मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ पे जिस तरीके का टाइम हो उस तरीके का कन्वर्ट कर लीजिए, उसमें ऐड कर दीजिए। तो देखिए, 12 15 का एलसीएम, मैंने 12 20 30 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है, मतलब 60। और ये सेकेंड में आती है चीज़, 60। ठीक है, तो ये 60 सेकेंड हो गए एक हिसाब से। यहाँ पे देखिए 60 मिनट मैंने लिख दिया है, 1 घंटा हो गया, ये आपका 60 मिनट हो गया। तो 1 60 मिनट का मीन्स क्या हुआ, 1 घंटा। तो 11 में 1 जोड़ दिया मतलब 12। तो 12 बजे अगली बार वो घंटियाँ एक साथ बजेंगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये देखिए दिया गया ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था इसमें, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि 16 के वर्गमूल एवं 4 के वर्गमूल का गुणनफल क्या होगा। तो बहुत सा इजी है, 16 के वर्गमूल मतलब 4 एवं 4 के वर्गमूल मतलब 2 का गुणनफल क्या होगा, तो 8 हो जाएगा। इसमें कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा GS टॉपिक जो होता है वो थोड़ा सा आता है लेंथी, अगर आपको अच्छे से तैयार होती है तो काफ़ी इजी एग्जाम होगा। अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट 12 सेकंड का समय 1 घंटे का कितना प्रतिशत होगा। अब यहाँ 1 मिनट 12 सेकंड दे दिया, मतलब 1 मिनट 12 सेकंड और ये 1 घंटा। 1 घंटे में 36, 1 घंटे का बोल रहे हैं, जिसका बोलते हैं वो नीचे रहता है, और 1 मिनट 12 सेकंड को अगर जोड़ेंगे तो 72 सेकंड पूरे पूरे हो जाएंगे। 100 से क्या करेंगे, डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन लगा है आपका, 1 घंटा 12 सेकंड का मतलब पूरे 72 सेकंड। तो नीचे 1 घंटे को भी सेकंड में चेंज किया, 3600 सेकंड। ये 0 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। तो ये 0 0 कट जाएगा आपका, और ये 36 2 जा होता है 72, तो ये 2% आंसर इसका आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2%, ऑप्शन नंबर ए। चलें अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा सा। एक व्यक्ति 25% की हानि पर एक मेज 4200 रुपये में बेचता है, और 25% लाभ पर प्राप्त करने के लिए उसे उस मेज को कितने रुपए में बेचना चाहिए। देखिए, इस तरीके के जब भी क्वेश्चन होते हैं कि 25% की हानि पर 4200 रुपये में बेचा, तो हानि लाभ जो भी देता है ये आपका एक हिसाब से क्या दे देता है, SP दे देता है। हम इसको इसी तरीके से देख लेते हैं कि 25% की हानि पर एक मेज को 4200 रुपये में बेचा, तो 100 की चीज़ होती है, अब 25% की हानि हो रही है मतलब 75 की वैल्यू दी होती है ये। तो यहाँ पे 75 की वैल्यू कितनी दी गई, 4200। देखिए 75 की वैल्यू 4200 दी गई, तो हमको एक की वैल्यू यहाँ से निकालना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगी 56, मतलब एक की वैल्यू 56 है, और 100 की वैल्यू अगर हमको पता चल जाए तो वही हमारा CP हो जाता है। तो एक की वैल्यू अगर 56 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5600। इसमें 2 का 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5600, तो ये मेरा क्या हो गया, CP हो गया। अब वो क्या कह रहा है, उसको अगर हम 25% के लाभ पर बेचें तो कितने की बेचेंगे, तो डायरेक्ट हम 5600 के CP पे क्या करेंगे, 25% का लाभ निकालना है तो 125 निकाल लेते हैं, 125/100। इसको सॉल्व करेंगे तो 7000 रुपये आ जाएगा। मतलब अगर 4200 रुपये पर हम तब बेच रहे हैं जब 25% की हानि हो रही थी,
तो अगर उसी चीज़ को हम 25% के लाभ पर बेचना चाहेंगे तो उसको हम 7,000 रुपये में बेचेंगे। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 7,000 रुपये। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इक्वल टू 25, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। तो ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे अब देखिए हमको पता है कि ये वाला फार्मूला साफ साफ लिखा है, ए माइनस बी ए प्लस बी वाला, तो ये इसको मैंने लिख दिया इक्वल टू 25 के बराबर ही कर दिया वो, तो ये ए प्लस बी कट जाएगा। इसी की वैल्यू डायरेक्ट पूछिए तो डायरेक्ट वैल्यू 25 आ रही है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। वेरी बहुत ज़्यादा देखिए इजी क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं। एक कंपनी में 10 कर्मचारियों में से प्रत्येक को 36,200 रुपये वेतन मिलता है, मतलब एक को 36,200 रुपये वेतन मिलता है। तो अगर 10 का तुमको पता करना हो तो क्या करोगे कि इसमें 10 का गुणा कर दोगे, ये हो गया 10 का वेतन। फिर 15 का सेम वही कंडीशन दी गई, इतना दे रहा और एवरेज पूछ दिया है। तो एवरेज क्या होता है, टोटल बटे जितने लोगों में वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो 10 और प्लस 15 टोटल लोग कितने हैं, 25, उसमें कितना रुपये डिवाइड कर रहा है, तो उनका अलग का एक एक का दिया है, तो सबका निकाल लेते हैं। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 10 10, एक को 36,200 मिले थे तो 10 को कितना मिला, इतना मिला। 15 को, एक को इतना मिला था तो 15 को कितना मिला, इतना मिला। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, इन दोनों के प्राइस को ऐड कर दिया, मतलब सैलरी को ऐड कर दिया, तो इतनी हमारी बनी। और उस इतनी टोटल सैलरी कितनी कर्मचारियों में बांटी जा रही, 25 में बांटी जा रही। तो 25 से जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 34,610, यही इसका क्या हो जाएगा, औसत वेतन हो जाएगा। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। पाइप टंकी वाले क्वेश्चन बहुत ही जो आए हैं देखिए दिए गए हैं कि एक टंकी है, दो पाइपों एक्स और वाई जेड द्वारा 5 घंटे 10 घंटे में भरी जाती है, और अन्य पाइप जेड है उसे देखिए 20 घंटे में खाली करता है। तो तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएँ तो टंकी कितने घंटों में भर जाएगी। तो ठीक है, अब एक्स नल है वो 5 घंटे में भरता है, वाई नल क्या है वो 10 घंटे में भरता है। अब ये जेड वाला है जो वो 20 घंटे में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तो इसको माइनस मैंने लगा लिया। इन दोनों का एलसीएम ले लिया टोटल काम, तो वो 20 हो गया। टोटल काम कितना हो गया, 20 हो गया। यहाँ पे तो इस 5 को 20 से डिवाइड किया तो 4 आया, इस 10 को 20 से डिवाइड किया तो 2 आया, और इस -20 से 20 को डिवाइड किया तो माइनस आया। ये इनकी सबकी क्षमता आ गई एक एक घंटे की। अब तीनों को मिला देंगे तो 4 प्लस 2 तो जुड़ के 6 हो जाएगा, उसमें एक माइनस का एक घट जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो तीनों को मिलाने पर इनकी जो क्षमता आ रही है वो 5 आ रही है। ठीक है ना, 5 आ रही है। अब टोटल पानी कितना था, 20 था, उसमें 5 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 घंटे सिस्टम आ जाएगा, आ जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो इसका आंसर आपको पता चल गया, 5 कितना आया, 4 घंटे आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है अनुपूरक कोण क्या होते हैं। तो अनुपूरक कोण सभी को पता होगा, अनुपूरक और संपूरक। तो अनुपूरक कोण वे होते हैं जिनका योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो इसका सीधे सीधे है, अनुपूरक कोणों का ही क्या होता है, दो अनुपूरक कोणों का योगफल 180 होता है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि अनिल ने 6 रुपये प्रति अंडा की दर से 100 अंडे खरीदे, ठीक। 25 अंडे उसने 10% लाभ पर बेच दिए, 25 अंडे उसने 25% की हानि पर बेचा, और 10 अंडे उसने 50 अंडे जो शेष बचे उसने 20% के लाभ पर बेचा। अनिल का समग्र लाभांश क्या है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि उसने 100 अंडे खरीदे, उसमें से 25 अंडे अलग मूल्य पर बेचे, 25 अंडे अलग मूल्य पर बेचे, और 50 अंडे अलग मूल्य पर बेचे। तो अब इनका पूरा हमको जो प्राइस पता होगा उससे मेरा क्या निकल आएगा, CP निकल आएगा। इनसे जो अलग अलग मुझे प्राइस पता चलेगा वो मेरा क्या निकलेगा, SP निकलेगा। अगर CP SP से क्या होगा, ज़्यादा होगा तो लाभ हो रहा होगा, परसेंटेज निकाल लेंगे। तो बस यही क्वेश्चन है, कुछ और है नहीं। अब देखिए 100 अंडों का CP क्या हो जाएगा, एक अंडा 6 रुपये का था तो 6 रुपये प्रति दर्जन, 6 रुपये प्रति के दर्जन खरीदा था तो 600 रुपये के टोटल अंडे उसने खरीदे। अब 10% लाभ पर उसने 25 अंडे खरीदे। देखिए 25 अंडों का मूल कितना हो जाएगा, 25 × 6, और 10% लाभ ले रहे हैं तो 110/100, समझिएगा बात को। अगर 25 अंडों को मैं 10% के लाभ पे बेच रहा हूँ तो एक अंडा 6 रुपये का है तो 25 कितना हो जाएगा, 6 रुपये का, और उसमें हमको 110 का लाभ लेना है और 100 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। 25 का 2 यहाँ, 5 से 2 यहाँ, 5
यहाँ 2 से 3 सॉल्व कर लेंगे तो 165 आ जाएगा। मतलब जो 25 अंडे 25 10% के लाभ पर बेचे तो वो 165 के बेचे। सेम इसी तरीके से 25% की हान पर 25 अंडों का देखा तो इसको सॉल्व करेंगे कि 25 अंडों का मूल्य 6 रुपए के हिसाब से इतना हो जाएगा, और 25% की हान पर बेच रहा है मतलब 75, और बटे 100 कर लेंगे तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 112.5, मतलब 112.5 आ जाएगा। अब क्या कह रहा, बचे कितने अंडे 50 अंडे, उनको क्या करना है 20% के लाभ पर बेचना है। तो 20% के लाभ पर 50 अंडे, सेम वैसे ही 50 का 6 के हिसाब से ये मूल्य, और टोटल 120 लाभ बटे 100 तो वो आ जाएंगे 360। अब टोटल हमें लाभ कितना हो रहा है देखो, 165 प्लस 112.5 जो 360 को जब जोड़ा तो 637.5 रुपये हमको क्या हो रहा है, ये पूरा मेरा SP बनना है। ये पूरा क्या बनना है, SP बनना, और 600 रुपये का हम खरीद के लाए थे तो 37.5 रुपये हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 37.5 रुपये। और जब हम प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं तो नीचे हमारा CP होता है, ×100 कर देंगे तो ये 0 0 कट जाएंगे। अब क्या होगा, 6 5 6 रंग 36 हो जाएगा, और बचेगा कितना 1, और 6 2 12 आएगा, और 6 5 6 30 डायरेक्ट, और पॉइंट यहाँ लगा देंगे तो 6.25% क्या हो जाएगा उसको, प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। आप खुद से लगाएंगे तो आसानी से जल्दी से लगा लेंगे, समझाने में थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है। एक देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है। किसी विद्यालय में 2/2 बच्चे 1 से 12 आयु के वर्ग के हैं, ठीक है, 2/3। अब कह रहे इनमें से 3/4 1 से 8 आयु वर्ग के हैं, तो 9 से 12 आयु में बच्चों का भाग क्या है। अब देखिएगा, जो 1 से 12 थे, जो 1 से 12 थे वो 2/3 के थे, ठीक। अब और 1 से 8 जो थे, इसी में 2/3 का मतलब एक हिसाब से समझ लीजिए का 3/4 जो हैं वो 1 से 8 में है, तो यहाँ 2 आया और ये 3 कट गया। मतलब क्या है, 1 से 8 में 1/2 बच्चे हैं। अब टोटल 1 से 12 थे, 1 से 12 टोटल थे, 1 से 8 हमको पता चल गया है, और अब 9 से 12 पूछ रहा है। तो टोटल में से क्या करेंगे, जो टोटल था 2/3 वहाँ से क्या करेंगे 1 से 8 वाला घटा देंगे, तो सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ पे 1/6 आ जाएगा। 8 9 से 12 में कितने बच्चे होंगे, एक कितने बच्चों का भाग होगा, 1/6 का सही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि राम की वर्तमान उम्र उसके पुत्र की वर्तमान उम्र की दोगुनी है, 5 वर्ष पश्चात राम की उम्र उसके पुत्र की उस समय की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, उनकी वर्तमान उम्र क्या है, ठीक है, दोनों की बताना है। देखिए राम की जो उम्र है वो पुत्र की उम्र से क्या है, 2 गुनी है, तो राम की 2 मान लो, पुत्र की 1 मान लिया, ठीक मान लिया हमने। इसके बाद क्या देखा कि 5 वर्ष बाद राम की 3 गुनी हो जाती है अपने पुत्र से, तो 3 1 हो जाती है। तो हम देखते क्या हैं कि हम देखते हैं कि 5 वर्ष बाद कुछ डिफरेंस आया, इसमें देखते हैं कितने का अंतर है, 1 का, इसमें देखते हैं तो 0 का, मतलब ये सही नहीं बैठ रहा है। तो करते क्या है कि ऊपर वाले का डिफरेंस दे लिखते हैं कि 2 1 का डिफरेंस कितना है 1, और 3 1 का डिफरेंस कितना है 2, तो इस 2 को इसमें गुणा कर देते हैं बराबर करने के लिए, और इसका डिफरेंस यहाँ गुणा कर देते हैं, 2 2 4 मतलब 2 2 4 और 2 1 2 और यहाँ 1 3 3 1 1 1। तो आप यहाँ पे देखा कि कितना डिफरेंस है 1 का, यहाँ डिफरेंस कितना है 1 का, मतलब सही हो गया। और ये सब हो कितने समय के बाद रहा है, 5 साल बाद ये हो रहा है, तो 1 की वैल्यू कितनी दी है 5, तो पिता 4 वर्ष के हो गए थे। यहाँ देखते हैं, अब इस 5 का यहाँ पे मत मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे करिए 5 को, तो पिता वर्तमान में कहें कितने साल के 20 वर्ष के, और पुत्र कितने हैं 10 वर्ष का, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा 20 और 10, तो ये जो है यहाँ पे 20 और 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बढ़िया है कि एक व्यक्ति 144 नारंगियाँ मतलब संतरे 360 रुपये के मूल्य पर खरीदता है, वह सभी नारंगियों को 10% के लाभ पर बेच देता है, उसे प्रति दर्जन किस दर पर नारंगियाँ बेचनी चाहिए। कोई बात नहीं, देखो कोई व्यक्ति है, मतलब कहने का है कि 144 संतरे उसने खरीदे तो 360 रुपये उसने दिए, तो मतलब उसका CP कितना हो गया, 360 रुपये दे दिए उसने। अब यही 360 रुपये को क्या कर रहा है, पूरी नारंगियाँ 10% के लाभ पर वो बेच देता है, मतलब 360 पे उसे 10% का लाभ हो रहा होगा, तो मतलब 110 के हिसाब से निकालेंगे
ये 110 क्यों निकालते हैं पता है ना, कि 360 का 10% निकाल लो, उसके बाद 360 में जोड़ दो, या फिर डायरेक्ट 10% 110 निकालो, तो ये 0 0 कट जाएंगे, तो इसको सब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 296, ये देखिए सॉरी 396। हाँ 44 के हिसाब से 360 रुपये का ख़रीदा था, जब बेचेगा वो तो उसको 396 रुपये के बेचेगा, और ख़रीदा उसने 360 रुपये का और बेचा उसने 396 रुपये का। ठीक, अब उसने खाली एक कंडीशन यहाँ पे ये दे दी है कि दर्जन पे उसे कितने हिसाब से बेचना चाहिए। तो मेरे पास थी कितनी, 144 थी, तो इन 144 में अगर मैं दर्जन दर्जन को अलग करूँ तो 12 से डिवाइड करता हूँ, तो 12 दर्जन बनेगा जाके, 12 दर्जन बनेगा जाके, और इसी 12 दर्जन को मुझे कितने का बेचना है, 396 का बेचना है। तो अगर मैं कहूँ कि एक दर्जन पे कितना लाभ होगा, मतलब एक दर्जन कितनी की मुझे बेचनी पड़ेगी, तो इस 12 को 396 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो मैंने डिवाइड किया तो 33 रुपये आ गया। मतलब कहने का है कि 12 नारंगिया अगर मैं 33 रुपये की बेच रहा हूँ तो मुझे पूरा 10% का लाभ हो जाएगा जाके, जितने की मैंने खरीदी थी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 33 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, ये थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है, लेकिन कॉट ए की वैल्यू दे दी है 12/5, उसमें साइन ए प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए की वैल्यू पूछ दी गई है। ठीक, अब देखिए कॉट ए की इक्वल टू वैल्यू क्या होती है, कि आधार बटे लंब होता है, हमें पता है। पाइथागोरस प्रमेय से मैंने कर्ण कर्ण यहाँ पे निकाला, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट, तो 13 ये मेरा कर्ण आ गया। अब साइन की वैल्यू होती है, साइन ये होता है लंब बटे कर्ण, कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण, और कॉस ए होता है कर्ण बटे लंब होता है। तो लंब की वैल्यू 5/13, दो सब की वैल्यू रख दी, 5/13 प्लस 12/13 मल्टीप्लाई 13/5, ये हो गया। यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो आया, जब दोनों को आपस में देखिए नीचे वाला एक है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को केवल जोड़ देते हैं, तो 17/13 आ गया, और 13/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 13 13 कट गया, तो कितना आया, 17/5। तो ये जो इक्वेशन पूरी दी गई इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 17/5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 17/5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है आपको आया है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें क्या कहा गया है, 31 से लेकर 33 तक क्वेश्चन डिवाइड कर दिए गए, उसमें से आंसर देने हैं। कह रहे हैं 40 विद्यार्थी की एक कक्षा में 28 विद्यार्थी तमिल बोलते हैं, 20 विद्यार्थी तेलुगु बोलते हैं, सभी विद्यार्थी दो में से कम एक भाषा बोलते हैं। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कह रहे हैं केवल तमिल बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अगर मैं देखूँ तमिल कितने लोग बोल रहे हैं, तो 28 लोग, तेलुगु कितने लोग बोल रहे हैं, 20 लोग, उनमें से केवल वाली मतलब जो दोनों बोलते होंगे, तमिल व तेलुगु दोनों बोलने वाले कितने होंगे, अगर इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो कितना हो रहा है मेरा, 48, मतलब 8 ये एक्स्ट्रा आ रहा है, और टोटल विद्यार्थी केवल 40 ही हैं। तो ये जो 8 एक्स्ट्रा हैं यही वो हैं जो क्या बोलेंगे, जो तमिल और तेलुगु दोनों बोलेंगे, तमिल और तेलुगु दोनों बोलेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि केवल तमिल पूछ रहा है, केवल तमिल पूछ रहा है, तो केवल तमिल, तो अगर टोटल तमिल पूछने 28 तमिल बोलते थे, उसमें से जो दोनों बोल रहे हैं वो घटा दो तो केवल तमिल वाले आ जाएंगे, तो 28 से 8 घटा दिया तो कितना आया, 20 आ गया मेरा ये। तो 20 ऐसे व्यक्ति होंगे जो केवल क्या बोलेंगे, तमिल बोलेंगे, तो पहले का तो 20 हो जाएगा। दूसरा है केवल तेलुगु बोलने वाले, अब भाई केवल तेलुगु बोलने वाले, तो टोटल तेलुगु बोलने वाले 20 थे, उसमें से 8 ऐसे हैं जो दोनों बोलते हैं, तो 8 वो घटा देंगे तो 12 क्या आ जाएंगे, केवल तेलुगु बोलने वाले। ठीक है, और डायरेक्ट अगला क्वेश्चन क्या कहा, तमिल एवं तेलुगु दोनों भाषाएं बोलने वाले, तो वो तो मैंने पहले ही 8 निकाल लिया था, तो इसका ऑप्शन 8 हो जाएगा। तो ये तीनों सवाल इस तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वर्क वेरी इजी, बहुत ज़्यादा इजी, हद से ज़्यादा इजी। अमन एवं अजय अकेले किसी कार्य को 9-12 दिनों में कर सकते हैं, दोनों साथ मिलकर कितने दिनों करेंगे, हमको पता है एलसीएम निकाल के क्षमता निकाल लेंगे। तो अमन ने 9 दिन में किया, अजय ने 12 दिन में किया, टोटल 36 काम हुआ, 36 से 9 को डिवाइड किया 4 इसकी क्षमता आ गई, 12 से 36 को डिवाइड किया 3 क्षमता आ गई, ये इनकी क्षमताएँ हो गई, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, 7 काम कर रहे होंगे, और हमारे पास टोटल काम कितना है, 36 काम है, तो 36 को 7 से डिवाइड कर दिया तो 5/5 = 1/7 दिन आ गए, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 5/1/7 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से क्या है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का है, तो 1 - sin² थीटा डिवाइडेड बाई 1 - cos² थीटा का होल अंडर रूट है पूरा।
हमें पता है कि एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो यहीं से बन के वो आता है कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे यही लिखा है, यही चीज़ लिखी है कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा और वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों को डिवाइड करना है। यहाँ पे थोड़ा हमसे देखो गलती हो गई, यहाँ पे स्क्वायर आप लगा लीजिएगा स्क्वायर, ठीक, तो ये हो स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो कॉस थीटा अपन साइन थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा अपन साइन थीटा, तो इसका मतलब होता है कॉट थीटा, ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा कॉट थीटा, यही दिया है ऑप्शन नंबर ए, देख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये देखिए क्वेश्चन दिया गया है रोमन, कक्षा 3 में आता है क्वेश्चन रोमन, तो हमें पता है कि एक्स सी वी दिए, तो सी का मतलब होता है 50 और उसके पीछे एक्स लिखा है मतलब 50 से 10 कम करना है, सॉरी सी का मतलब होता है 100, LCDM याद रखिएगा, एल से 50 और सी से 100, डी से 500, एम से 1000, ये याद रखा करिए। तो सी का मतलब क्या हो गया 100 और उससे पीछे एक्स लिखा है मतलब 10 कम करने हैं तो 90 हो गया, फिर उसके आगे लिखे हैं 5 और 1 मतलब 6, तो इसमें 6 जोड़ना है तो ये 96 आ जाएगा, ठीक है, ये मैंने थोड़ा देखिए सॉल्व कर लिया है, इसको कितना कितना बोलते हैं ये आप देख लीजिएगा, और ये इसको सॉल्व कर दिया मैंने, सॉल्व नहीं करा जाता है तो नॉर्मल सा तरीका है, 96 इसका आंसर आएगा कुल मिलाकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा देखिएगा, हाँ, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है एवं उनका महत्तम समापवर्तक दिया है और उन संख्याओं का लघुत्तम बताना, तो हमको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हमको पता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा या लासा, ये फार्मूला होता है। अब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बोले या गुणनफल बोले, उसने डायरेक्ट गुणनफल दे दिया, ये मासा की वैल्यू दे दी, लासा की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो लासा क्या करें बस डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड करेंगे जब उससे तो 1378 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1378 लासा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन दिया गया है कि 50 एवं 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो ये तो गिननी पड़ेंगी, तो 50 ऐसी अभाज्य संख्या जो केवल खुद से कटती है, वन से कटती, तो 53, 59, 63, 89 और 97, तो ये टोटल कितनी संख्याएं होंगी, ये 10 संख्याएं ऐसी होती हैं, 3 3 6 4 10, 10 संख्याएं होती हैं 50 और 100 के बीच में जो केवल अभाज्य संख्या होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक। अब देखिए बी ऑप्शन नंबर है लेकिन बी हो है चौथे में, तो आप पेपर में चौथा लगाइएगा ऐसे, यहाँ पे वहाँ बी मत लगा दीजिएगा, ठीक है, ये कई बार मैं बता चुका हूँ आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, देख लीजिएगा। स्थान ए से स्थान बी के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है, दो स्कूटर सवार क्रमशः स्थान ए एवं बी से एक दूसरे की ओर एक ही समय पर प्रस्थान करते हैं, 2.5 घंटे में के पश्चात उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर एवं एक स्कूटर की सवार की चाल 10 किलोमीटर अधिक है प्रत्येक स्कूटर की सवार। अब देखिए मैंने शायद थोड़ा सा गलती कर दी है इसमें कि ऑप्शन आपको नहीं दिए, देखिए उसमें ऑप्शन दिए गए थे कि एक की 50 है, एक की 60 है, पहला ही ऑप्शन दिया गया था, और एक की 30, एक की 40, एक की 20, एक की 30, कुल मिला के वो उसने कहा है ना कि दोनों की चालों में 10 घंटे का अंतर है किलोमीटर पर घंटा, तो ऑप्शन भी सब में 10 10 था, पहला ऑप्शन था 50 और 60। अब देखिए मैंने ऑप्शन उठाया कि एक स्कूटर वाले की चाल 50 किलोमीटर है, एक स्कूटर वाले की चाल 60 किलोमीटर है, वो 2.5 घंटे चले, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 2.5 2.5 घंटे कितनी कितनी दूरी तय करेंगे वो पता कर लेंगे, टोटल उसको करके के जो उनके बीच की दूरी थी उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जितना समय अगर उनके बीच के चली गई दूरी में अंतर अगर 2.5 घंटे आ रहा है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि 25 किलोमीटर की दूरी वो 2.5 घंटे बाद तय कर देते हैं, अगर 2.5 घंटे के बाद दोनों की दूरी तय करने के बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर आ रही, तो ऑप्शन हमारा सही होगा। थोड़ा देखिएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा जिसकी चाल थी, अगर वो 2.5 घंटा चलेगा तो 50 50 और प्लस 25 मतलब 125 किलोमीटर वो चल जाएगा, ठीक है, ए से चलना स्टार्ट करेगा, 125 किलोमीटर कवर कर लेगा। यही काम जब 60 किलोमीटर वाला करेगा तो बी से चलना स्टार्ट करेगा, 150 किलोमीटर कवर कर लेगा। अब उसने 125 कवर किया, उसने 150 कवर किया, तो दोनों मिलके कितनी कवर कर लिए, 275 किलोमीटर कवर कर लिया, और वो दूरी थी कितनी टोटल, वो 300 किलोमीटर थी। अब 300 किलोमीटर में 275 किलोमीटर कवर हो गई है, तो मतलब बची कितनी, 25 किलोमीटर बची, और ये सब काम हुआ कितने में, 2.5 घंटे में हो रहा है, और सेम यही क्वेश्चन दिया गया था,
तो इसको ऑप्शन नंबर पहला मतलब 50-60 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऑप्शन से दूरी वाले क्वेश्चन सवाल किया करिए। ये देखिए, दो सतत संख्याएं ज्ञात कीजिए यदि पहली संख्या पहली संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 2 गुने से 5 अधिक है। या तो ऑप्शन से कर लीजिए कि पहली संख्या का क्या करें, 3 गुना करें, मतलब 5 का 3 गुना किया तो 15 हुआ, और 6 का अगर 2 गुना कर रहे हैं तो 12, और उसमें 5 अधिक कर रहे हैं तो क्या 15 हो रहा, नहीं तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा भी यही करिए कि 6 को 2 3 गुना किया तो 18 हुआ, और 7 को 2 गुना किया तो 14, और उसमें 5 जोड़ने पर 18 तो हो नहीं रहा, ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखते हैं कि 7 को 3 गुना किया तो 21 हुआ, 8 को 2 गुना किया तो 16 हुआ, उसमें 5 जोड़ा तो 21 हो गया, मतलब यही ऑप्शन मेरा क्या है, करेक्ट है। या तो ऑप्शन से कर लीजिए, या फिर मान लीजिए कि एक संख्या मैंने एक्स मान ली, एक संख्या सतत है ना, तो एक संख्या एक्स होगी, एक एक्स प्लस वन होगी। एक संख्या में अगर 3 गुना कर रहे हैं और दूसरी संख्या के 2 गुने से 5 क्या है वो अधिक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू 7 आ जाएगी, तो 1 7 आ रहा तो अगली कैसी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 5/8 भाग है, बी की ऊंचाई का ए की ऊंचाई से अनुपात क्या है। देखिए, ये जब भी सवाल आया करें कि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई का, तो जो का वाला होता है बाद वाला, वही ये नीचे वाली वैल्यू होती है। तो बी की वैल्यू यहाँ कितनी दी गई, 8 दी गई है, ए की वैल्यू क्या दी गई, 5 दी गई है, क्योंकि अगर बी 8 है, ठीक है, तो ए क्या है, 5/8 है बी का, तो 5 ही तो आएगी ना भाई। अब रेशियो डायरेक्ट पूछ दिया तो ए की वैल्यू हमको पता चल गई, बी की वैल्यू पता चल गई, दोनों का रेशियो बी रेशियो ए निकालना है, तो 8:5 आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, डी नंबर। एक क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था कि 7 भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहते हैं, तो 7 भुजाओं वाले बहुभुज को सप्तभुज कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही कर दीजिएगा आप। ये क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया था कि 107.03 में से क्या घटाया जाए ताकि 96.4 आ जाए। तो इन सवालों को क्या करते हैं कि ऐसे ही करते हैं कि भाई इसमें क्या घटाया जाए कि ये आ जाए, तो मतलब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, ये उधर जाएगा, ये बड़ा है तो क्या होगा, ये भी माइनस हट जाएगा, घटाना ही है, सॉल्व कर लेना इसको, तो 10.363 आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से एनटीपीसी के 28/3/2016 में पूछे गए सारे क्वेश्चन मैथ्स के हैं। इसी तरीके से कम 50 सेट अपने आपको शेयर करूँगा, जिसमें आपको मैथ अलग होगी, रीजनिंग अलग होगी, जीएस अलग होगी, ये बिल्कुल आपको निश्चित हेल्प करेगा। वीडियो अगर आप पूरा देख रहे हैं, पसंद आ रहा है, तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।